हेलो दोस्त, मैं उज्ज्वल और उज्ज्वल बिहार का नमक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि सर्वे कार्यालय ज़्यादा पावरफुल होता है या अंचल कार्यालय। आजकल बिहार में विशेष सर्वे चल रहा है, ऐसे में जब आप अपने ज़मीन का सर्वे करवाने के लिए सर्वे ऑफिस जाते हैं, सर्वे अमीन के पास अपना दस्तावेज सबमिट करते हैं, तो वो उसे मानता ही नहीं है। वो बोलता है कि ज़मीन का जो मूल पेपर है वो हमें दीजिए, आपका रसीद कटा हुआ है, आपका ज़मीन का जमाबंदी कायम है। ब्लॉक लेवल पे मतलब अंचल कार्यालय द्वारा जितने भी पेपर निर्गत की जाती है, आपके पास सारा चीज़ है, अपडेटेड रसीद है, आपके नाम से जमाबंदी पंजी है, लेकिन सर्वेयर या सर्वे कर्मचारी फिर भी उस चीज़ को नहीं मानता है। तो ऐसे केस में आपके मन में एक बार ना एक बार ज़रूर सवाल आया होगा कि हम तो हमेशा जो भी काम करवाते हैं वो अंचल कार्यालय से करवाते हैं, लेकिन इस अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जितना भी पेपर है उसको सर्वे कार्यालय मानता ही नहीं है। तो ऐसे केस में कौन ज़्यादा पावरफुल है, हमें किसकी पेपर को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, तो इसी का समस्या का हम इस वीडियो के माध्यम से छुटकारा दिलाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि ज़मीन से जुड़ा हुआ जो हम नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचता रहे। चलिए चलते हैं हम पहले जानने कि अंचल कार्यालय का काम क्या होता है और फिर सर्वे कार्यालय का क्या काम होता है, तब हम फिर बताएंगे कि दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो सबसे पहले अंचल कार्यालय का क्या काम होता है। आपका जितना भी आपके पास दस्तावेज होगा वो सब आप सोचते होंगे कि अंचल कार्यालय के द्वारा निर्गत किया गया है। मान के चलिए आप किसी ज़मीन को खरीदे, आप उसका दाखिल खारिज करवाए, तो आप आवेदन देते हैं अंचल कार्यालय में, दाखिल खारिज हो गया, आपके नाम से नया जमाबंदी बन गया और लगान निर्धारण के साथ साथ आपका रसीद भी कटने लगा। इस पूरी प्रक्रिया में आपके द्वारा जितना भी काम किया गया वो अंचल कार्यालय के माध्यम से किया गया, या फिर आपका जमाबंदी में किसी भी प्रकार का गलती है, किसी भी प्रकार का आपका जो समस्या है जमाबंदी से जुड़ा हुआ, उसका सारा निवारण के लिए आप अंचल कार्यालय में एप्लीकेशन करते हैं। लेकिन जब सर्वे में उस पेपर को हम देते हैं सर्वेयर को, तो सर्वेयर बोलता है नहीं, ज़मीन का मूल दस्तावेज दीजिए। तो ऐसे में आपके मन में जो कन्फ्यूजन है कि आखिरकार इस अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जो पेपर है उसको सर्वेयर क्यों नहीं मानता है, तो इसी का उत्तर हम दे रहे हैं। अब समझते हैं कि सर्वे कार्यालय क्या क्या करता है। सर्वे कार्यालय का काम होता है कि किसी भी ज़मीन का पैमाइश करके, मतलब ज़मीन का खाना पूर्ति करके, ज़मीन पे जाके प्लॉट को नाप के, प्लॉट वेरिफिकेशन करके, अगल बगल से पता करके, उस ज़मीन का खतियान उपलब्ध करना, मतलब खतियान उस ज़मीन का बना के खतियान देना, ये सारे काम जिससे प्लॉट रिलेटेड जांच हो, ये सब काम सर्वे कार्यालय करता है। सर्वेक्षण से जुड़ा जो भी काम है ये सर्वे कार्यालय करता है, और कागज़ पत्र का दस्तावेज से जुड़ा हुआ जो भी काम है वो ब्लॉक करता है। आपने कई लोगों के मुँह से भी सुना होगा, और बहुत कम चांस होता है कि आपका अंचल कार्यालय का जो कर्मचारी है या फिर अंचल कार्यालय का जो अंचल अमीन है वो आपके प्लॉट पर जाके आपका लैंड वेरिफिकेशन करे। आपका किसी भी प्रकार का ज़मीन प्लॉट से जुड़ा अगर वाद होता है तो उस केस में भी बहुत कम चांस होता है कि अंचल द्वारा अमीन जाके आपके प्लॉट का वेरिफिकेशन करे। लेकिन जब वही आवेदन आप सर्वे कार्यालय में देते हैं तो सर्वेयर जो होता है वो आपके ज़मीन पे जाके आपके ज़मीन का भौतिक सत्यापन करता है और उसका रिपोर्ट बता के देता है और खतियान भी जारी करता है। तो ऐसे केस में ज़्यादा पावरफुल कौन है। अब हम समझते हैं कि सर्वे कार्यालय का मेन काम क्या होता है। जैसे अभी बिहार में विशेष सर्वे चल रहा है, तो इस समय जितने भी ज़मीन है सबका सर्वे करके उसका जो पूरा डिटेल में किसके नाम से ज़मीन था उसका पूरा पेपर का मुआयना करके नया खाता खुलेगा, और सर्वे कंप्लीट होने के बाद नया खतियान बनेगा और उस खतियान को सर्वे अंचल कार्यालय को मानना होगा। मतलब सर्वे कार्यालय का काम होता है कि किसी भी ज़मीन का सर्वे करने के बाद जो प्राप्त आंकड़ा है उसको खतियान के रूप में जारी करना, और उसी खतियान के माध्यम से एक नया जमाबंदी पंजी तैयार की जाती है, और उसी पंजी को देख के, उस पंजी को आधार बना के उसके बाद जो भी काम होता है वो काम होता है अंचल कार्यालय का। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि
कि सर्वे कार्यालय जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, सर्वे कार्यालय थोड़ा अंचल कार्यालय से ऊपर होता है। तो हम वीडियो में अच्छे से समझ गए होंगे कि अंचल कार्यालय बड़ा है या सर्वे कार्यालय। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर कीजिएगा। आपका